ये अब हम पहुंच चुके हैं माता पुण्यासिनी के मंदिर में। अब हम जाएंगे भैरव जी के मंदिर में। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को खिला रही है। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं पुण्यासिनी के मंदिर में और हमारे साथ है मम्मी, सैली, मामा, चाची, नैना, चाचू और हम। चलते हैं फिर। जय माता, जय। तो ये अब चाची लोग गाड़ी में जा रहे हैं यहाँ से पुण्यासिनी के मंदिर पे, और हम स्कूटी में जाएंगे मैं और चाचू, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत पैदल है, मतलब आपके 2 किलोमीटर तो होगा, इसलिए हम पैदल तरह जा नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ से गाड़ी में चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे धार पहुँचने वाले हैं। हम चलते हैं यहाँ पे, पहले जब बरसात होती है अभी इस टाइम में, जब बारिश होगी तो यहाँ पे इस नाले में हमें बहुत मोटा पानी आता है, जैसे आपको लगेगा इधर चलते झरना होगा। यहाँ पे धूप नहीं आती, यहाँ मतलब बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे अभी तो हवा चल रही, तो ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ठंडा है, बर्फ पड़ रखी होगी। वो हमारा गांव है, यहाँ पे गांव को देखिए तो। हाँ आपको आगे से दिखाएंगे, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, वो देखिए गांव। ये दोस्तों मैं पहुंच गए धार, इस जगह को धार कहते हैं, और नीचे दिख रहे हैं इसकी मुर्गी का फार्म है। चाचू पहुंचने वाले हम यहाँ पे, थोड़ा आगे और है। हाँ कम से कम 10 मीटर 20 मीटर ऐसी लगेगा आपको, थोड़ा सा और। यहाँ से हम तो गाड़ी में आए थे, अब यहाँ से हम पैदल चलते हैं। चलो चलते हैं, हम पैदल चलेंगे। यहाँ से तो पाला पड़ा हाँ, फिसलने का बहुत डर है, काई जमी भी ढंग से आना बहुत है अभी तो बहुत। तो हम यहाँ से आधा आ चुके हैं और आपको जैसे हम दिखा रहे हैं हम चल ही रहे हैं, और नीचे देखो आपको हल्की हल्की रोड दिखेगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखिए गढ़वाली भाषा में इसको, जैसे हिंदी मतलब इंग्लिश में इसको पॉन्ड कहते हैं, लेकिन गढ़वाली भाषा में इसको चल्ली कहते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पे वो भी एक पानी का स्रोत यहाँ पे आगे पे, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे कितना मोटा पानी आ रहा है दोस्तों, देखिए। तो ये हैं हमारे साथ सिद्धांत जी, और अभी हम यहाँ से आए हैं नीचे से। जैसे कि सिद्धांत जी बता रहे थे कि ये चल्ली है, एक तालाब, और थोड़ा सा और ऊपर जाके, यहाँ ऊपर जाके मंदिर। तो चलो सिद्धांत जी चलते हैं फिर मंदिर में, और आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू, और ये बिल्कुल चीड़ के पेड़, बड़े बड़े होते हैं ये। हाँ जी बहुत बड़े है ना, 50 फीट होंगे। हाँ 50 फीट से भी बड़े बड़े होते हैं। वो आगे चल रहे हैं, और ये है हमारे आगे हमारी टीम के मेंबर। ये है सैली। सैली हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हेलो करो, हेलो। ये सैली है, और नैनू, नैनू तो कुछ देख रहा है नीचे, क्या ढूंढ रहा हूँ नैनू, याद। दो बच्चे भी हमारे साथ छोटे छोटे, और ये पहली बार जा रहे हैं आज कुलदेवी में, अपने मंदिर में। तो आज इनका स्पेशल दिन, और हम सबका भी इनकी वजह से। ये तो खैर आगे संदीप जी और सिद्धांत जी हैं, और नैनू पता नहीं क्या देख रही नीचे। नैनू, नैनू खुश हो रही है, नैनू नैनू काफी खुश हो रही है, नैनू खुश हो गई वो काफी, ये हरियाली देख के और यहाँ का वातावरण देख के। और ये है सैली, सैली हाय करो, हेलो। सैली भी खुश हो रही है, और नैनू को भी मजा आ रहा, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा ना। हाँ चलो फिर, ये है हमारे साथ नैनू जी। नैनू कैसा लग रहा फिर आपको, मजा आ रहा ना, बड़ा एंजॉय कर रही है वो वातावरण को नैनू। और थोड़ा सा और ऊपर जाना है अभी हमें, और आगे है भुल्ली दीदी, उसकी दीदी सैली, आगे उसकी दीदी सैली दीदी। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अपने माता पुण्यासिनी के मंदिर में, और ये हमारे आगे दो जा रहे हैं, और ये पीछे चाचू आ रहे हैं, चाचू के साथ नैना। चलो तो नैना से कुछ कुछ पूछते हैं। और नैना तो देख लिया ऐसे अच्छा लग रहा है जाने में, फोन छीन ले, फोन छीन ले, फोन छीन ले। ये अब हम पहुंच चुके हैं माता पुण्यासिनी के मंदिर में। जय माँ पुण्यासिनी, जय माँ पुण्यासिनी।
जय हो जय हो। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर शानदार मंदिर, और बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच, गांव से काफी दूर। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जय माँ पुण्याष्टमी, ये गेट, और इधर एक गेट यहाँ पे भी है दूसरा, और ये है यहाँ पे भैरव जी का मंदिर। और काफी शानदार ये मंदिर माता रानी का। जय माँ पुण्याष्टमी जय हो। बड़ा ही शानदार भव्य दिव्य, और अब आपको अंदर से भी दर्शन कराएंगे दिखाएंगे। और ये अब हम पहुंच चुके हैं, ये हैं हमारे सिद्धांत जी, और ये है मंदिर, और ये कौन है, अनु, ये अनु है, और ये अंदर आपको दिखाते हैं माता पुण्याष्टमी। जय माता दी जय माता दी जय हो, जय माँ पुण्याष्टमी जय। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं अंदर, पूजा स्टार्ट हो गई, फिर चलते हैं अंदर। जय माता जी। यहाँ मामा बैठ रखे, चाचू पूजा कर रहे, चाचू पूजा कर रहे, और यहाँ बैठ रखे चाची, नैना, मम्मी और सहेली बैठ रखी है, और ये लोग यहाँ पे भी परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पीछे से आएंगे, यहाँ से किसी तरह से देखते हैं। वो आ गए, और अभी हम आए हैं माँ पुण्याष्टमी के मंदिर से, और अब हम जाएंगे भैरव जी के मंदिर में। ये है भैरव जी, और माँ पुण्याष्टमी के बाद भैरव जी की पूजा होती है। जय हो भैरव देवता, जय भैरवाई नमः, जय हो। ओम भैरवाय नमः, जय हो भैरव जी, जय भैरव देवता। और यहाँ पे है हवन के लिए हवन कुंडी, और यहाँ पे हवन होता है, और उसके बाद ये शयन कक्ष रात में रहने के लिए, और ये बड़ा ही शानदार खूबसूरत मंदिर माँ पुण्याष्टमी का। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है, और बड़े बड़े पेड़ चीड़ के, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, एकदम जंगलों के बीचों बीच। मंदिर में दर्शनों के बाद, माँ पुण्याष्टमी के दर्शनों के बाद, अब हम यहाँ पे आए हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जलपान चल रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इस वजह से प्रसाद खा रहे हैं। और ये दोनों बहनें, दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को खिला रही है, ये आप देख सकते हैं, शैला नैनी को खिला रही है, और ये सामने इधर की साइड पेड़ों के बीचों बीच ये वाला, ये है हमारा गांव सावली, और ये नीचे रोड, और ये चंबा का मार्केट, और सामने इस पहाड़ी पर ये वाली जो चोटी है, लास्ट चोटी, इस पर है माता सुरकंडा का मंदिर, और ये पूरा जंगल ही जंगल यहाँ। और माता पुण्याष्टमी के दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे को, यहाँ से ये हैं हमारे साथ नैना जी। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन करे, और पीछे से हमारे पीछे हैं सिद्धांत जी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग था, आज हम माता पुण्याष्टमी के मंदिर में आए थे, और माता पुण्याष्टमी जी का जो मंदिर है वो सावली में है, और हमारे साथ ये सिद्धांत जी हैं। क्यों सिद्धांत जी, कैसा लगा आपको? हाँ जी, मतलब बहुत सही लगा है, जो ये माता पुण्याष्टमी का मंदिर है और उसके बगल में भैरवनाथ जी का मंदिर,
बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे जो वातावरण है बहुत अच्छा है, चीड़ के पेड़, हिंदी में इनको चीड़ के पेड़ कहते हैं और गढ़वाली में इनको कोले कहते हैं और इंग्लिश में इनको पाइन कहते हैं। जी जी बिल्कुल, पाइन के पेड़ थे। हाँ जी, अब बहुत बड़े बड़े, हाँ काफी बड़े होते हैं। बहुत ठंड है, मैंने हुड पहना हुआ, उसमें भी ठंड लग रही है, इसमें भी ठंड लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों फिर ये था आज का हमारा ब्लॉग, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्यों? हाँ जी, तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।